तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पैरामैग्नेटिज्म की और डायामैग्नेटिज्म की। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, जब उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो अपने डायपोल मोमेंट को, जो इंडिविजुअल एटम है वो अपने डायपोल मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेगा। तो ये लिख रहे थे हम अभी कि एटम्स अलाइन दियर डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पैरा मैग्नेटिज्म। और पैरा मैग्नेटिज्म सिर्फ कौन शो करता है, सिर्फ आपके जो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो, और जो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो शो करते हैं, डाया मैग्नेटिक नहीं करते। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये कुछ टर्म्स इस तरीके से डिफाइन की गई हैं। देखो कौन कौन सी टर्म्स हैं आपकी। पहली टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या इसको ये भी कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब है जिस फील्ड में आपने सब्सटेंस को रखा है, जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है ना, उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब उसकी इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखना है आपको एच क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि भाई मान लो आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, मान लो आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है वो है, उसको हम बी नोट से लिखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को हम बी नोट से लिखते हैं, बी नोट। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, किस मीडियम में ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो अगर मैं इसको बी नोट को डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस बी नोट को डिवाइड कर दूँ, अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दूँ यहाँ पे जो मीडियम है, उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी से, इस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी से डिवाइड कर दूँ जिस मीडियम में ये फील्ड है, तो ये बन जाएगी, ये जो टर्म है आपकी, ये बन जाएगी आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको ये फॉर्मूला इसका याद रखना है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे हम फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, अगर मैं फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हूँ तो आपकी एच की वैल्यू भी बढ़ेगी। और एच जो है आपका, ये सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा है। ठीक है, और भाई ये जो मीडियम है ना, जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है वो मीडियम है, या मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी सब्सटेंस को रखा हुआ है, ये सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, अब इस सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, इसकी जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है इस सब्सटेंस की, वो आपकी ये म्यू नोट है। ठीक है, तो ये तो वैक्यूम की होगी ना, म्यू नोट तो वैक्यूम की परमिबिलिटी होगी म्यू नोट। तो अगर ये जैसे सब्सटेंस है कोई, इसकी परमिबिलिटी मान लो म्यू है, इसकी परमिबिलिटी म्यू है, तो यहाँ पे जो एच होगा, यहाँ पे जो एच होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी नोट अपॉन म्यू, ये हो जाएगा हमारा एच। ठीक है, तो जहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी परमिबिलिटी को आपको यहाँ लेना है। अगर वैक्यूम की बात करें तो मैग्नेटिक परमि जो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन है वैक्यूम में, वो क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू बी नोट बाई म्यू नोट, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो आपकी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है जो सब्सटेंस आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो कितना मैग्नेटाइज हो गया,
वो कितने डिग्री तक, कितने लेवल तक वो मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। इसको आई से लिखते हैं और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इससे पहले हमने डिफाइन किया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच से रिप्रेजेंट किया था, तो ये एच आपको ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, कितने लेवल तक, कितने डिग्री तक या कितने एक्सटेंट तक ये मैग्नेटाइज कर सकता है, ये सब्सटेंस को कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज कर सकता है, ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, जो फील्ड है आपका। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ही उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतने ही मैग्नेटाइज करने का उसका जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो आपका है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये प्रॉपर्टी किसकी है, आपके सब्सटेंस की है, कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना ज़्यादा, कितने लेवल तक, कितने डिग्री तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस है, भाई मान लो इसमें अब एक आपके पास कोई सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है आपका, ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, दोनों को मान लो कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसको भी बी नोट में रखा, इसको भी मान लो बी नोट मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा दोनों को, ठीक है। इसमें ये मान लो कि ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, ये कम मैग्नेटाइज हुआ, तो हम बोलेंगे इसकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की इस सब्सटेंस की वो ज़्यादा है, इस सब्सटेंस की इंटेंसिटी जो है वो कम है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो डिपेंड करती है आपके सब्सटेंस के ऊपर। किस पर डिपेंड करती है? सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और यहाँ इसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी पे भी डिपेंड करती है और सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है। तो जब किसी सब्सटेंस को हम कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर भी उसका भी अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। भाई जैसे ये मान लो कोई भी सब्सटेंस आपका, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो, जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आई है इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, आई जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने जब सब्सटेंस को कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसके अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया सब्सटेंस का, ठीक है, चाहे वो डायमैग्नेटिक हो चाहे पैरामैग्नेटिक हो, ठीक है। तो अब उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको डिवाइड कर दो उस सब्सटेंस के वॉल्यूम से, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो आप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, अगर ये हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस बन गया, अब ये मैग्नेट की तरह काम करने लग गया, ये मैग्नेटिज्म शो करने लग गया, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया अब इसका अपना, तो अगर हम इस सब्सटेंस को बार मैग्नेट की तरह कंसिडर कर लेते हैं, ये जो सब्सटेंस है इसको क्या कर लेते हैं, बार मैग्नेट की तरह कंसिडर कर लेते हैं। और अब बार मैग्नेट में क्या होता है, देखो ये मान लो ना बार मैग्नेट की लेंथ है, ये लेंथ है बार मैग्नेट की एल, और ये जो आपकी बार मैग्नेट है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बार मैग्नेट का, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार मैग्नेट। अब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो मान लो एम है, ये मान लो माइनस एम है, ये मान लो आपकी प्लस एम है, मतलब ये साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट आपकी। तो यहाँ पे जो है, मतलब इस सब्सटेंस को ना अब मैं बार मैग्नेट से कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा इस बार मैग्नेट का वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे एम पोल स्ट्रेंथ इनटू इसकी दोनों पोल के बीच की सेपरेशन एल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका आई था ना, आई ये क्या था, डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, ये वॉल्यूम हो गया आपका। अब देखो, डाइपोल मोमेंट की जगह तो मैं लिख दूंगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो गया, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। ये कब लिखा मैंने, जब इस सब्सटेंस को मैं बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ अभी,
अपॉन वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं, बताओ बार मैग्नेट का वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा बार मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बार मैग्नेट की लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो आई किसके बराबर आ गया? पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज पोल स्ट्रेंथ, इट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिफाइंड एज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी कह सकते हैं आई को। तो आई को आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इसकी कई सारी डेफिनेशन मिलेंगे आपको। एक डेफिनेशन तो होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरी होगी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। या तीसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, इट इज, इट टेल्स अबाउट द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच ए सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड, कितने डिग्री तक कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, ये बताता है आपका आई। और ऐसे ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम बोलेंगे कि इट टेल्स अबाउट दैट ए मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच डिग्री और हाउ मच एक्सटेंट ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज, कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, कितनी डिग्री तक वो मैग्नेटाइज कर सकता है किसी सब्सटेंस को, वो उसकी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं एच में और आई में। एच और आई में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि भाई जो आपका एच है वो तो है फील्ड की इंटेंसिटी, जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी है, और जो आपका आई है वो है कितने एक्सटेंट तक कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, होगा कि नहीं होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा या नहीं होगा? देखो ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइज हो गया, और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितना कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, वो तो डिपेंड करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ पे। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उसमें। तो एच, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे, और कॉन्स्टेंट जो है आपका उसका सिंबल कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं जाई, इसको जाई बोलते हैं, और इसका जो नाम है कॉन्स्टेंट का वो है, इसको बोलते हैं सस्केप्टिबिलिटी, 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 मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दिस इज इक्वल टू सस्केप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये जो है जाई जो आपका है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके मीडियम के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको आप मैग्नेटाइज कर रहे हो ना, सॉरी, जिसको आप मैग्नेटाइज कर रहे हो उसकी नेचर पे। तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका मटेरियल कौन सा है, और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, देखो, फोर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो आपका जाई है ये होता है नेगेटिव, ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। और फोर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, पैरा और फेरो के लिए आपकी जो जाई है वो होती है पॉजिटिव, जो आपका जाई है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो जाई की वैल्यू है दिस इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कंपैरिजन में। तो पैरा की इतनी ज़्यादा नहीं होती, फेरो की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है। डाया की भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन डाया की तो आपको पता लग जाएगा नेगेटिव होती है, देखते हैं कि ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर ये पॉजिटिव है तो फेरो भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है। अगर वो बहुत हाई वैल्यू है, जैसे 1000 है, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर आपकी ये 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, और अलग अलग मटेरियल के लिए वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ आई की जगह मैं रख सकता हूँ। आई को मैंने कैसे डिफाइन किया था, आई को डिफाइन किया था मैंने मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन, इसका जो एक रिलेशन और भी होता है वो होता है बी अपॉन म्यू। अब ये जो बी अपॉन म्यू है, बी अपॉन म्यू नोट, और आपका जो एच है ये आपका होता है बी नोट अपॉन म्यू नोट। ठीक है, ये वैक्यूम के लिए है, किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम की बात करें तो म्यू नोट की जगह म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आई आपका इसके बराबर है। ये बी क्या है, जिस सब्सटेंस को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था उसके अंदर क्या हो गया था, सब्सटेंस के अंदर क्या हो गया था, मैग्नेटिक मोमेंट, उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो गया था, चाहे वो इंड्यूस हुआ हो चाहे वो उसकी अलाइनमेंट की वजह से आया हो। तो जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो का बी नोट है, इसमें रखेंगे तो इसका अपना डायपोल मोमेंट होगा। अब इस सब्सटेंस का अपना डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी आपका। इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, ठीक है, वो है आपका बी। तो यहाँ पे जो बी है वो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है, बी जो है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सब्सटेंस, ये आपका। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा देखो क्या रिलेशन आएगा। आई की जगह पुट कर दो ये वाली वैल्यू और एच की जगह पुट कर दो ये वाली वैल्यू। तो आई की जगह रखेंगे बी अपॉन म्यू नोट इज इक्वल टू जाई, एच की जगह रख दो बी नोट अपॉन म्यू नोट, बी नोट अपॉन म्यू नोट रख देंगे इसमें। ठीक है, और मतलब ये आपका रिलेशन आ गया। तो या इसको आप एक बार रहने दो, इसको रहने दो। देखो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किसके बराबर होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और देखो ये है ना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा सा इसको एक पीछे आ जाओ, आई जो आपका है वो बी आई अपॉन म्यू नोट है। ये बी आई क्या है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जो डायपोल इसके अंदर, अब जो इसके अंदर डायपोल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बी आई। और बी है नेट, तो बी नेट किसके बराबर होगा, बी नोट प्लस बी आई इसके बराबर होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। मतलब बी तो नेट हो गया ना, रिजल्टेंट हो गया, किस किस का रिजल्टेंट हो गया, एक तो जो इसकी वजह से है उसका और एक जो एक्सटर्नल है उसका, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अब बी को हम ऐसे लिखेंगे बी इज इक्वल टू बी नोट प्लस, इसकी जगह लिखेंगे हम आई इंटू म्यू नोट, आई इंटू म्यू नोट रख सकते हैं। और यहाँ पे बी इज इक्वल टू इसकी जगह क्या रख सकते हैं, बी नोट की जगह एच इंटू म्यू नोट, एच इंटू म्यू नोट प्लस आई म्यू नोट, ये रख देंगे। अब यहाँ से देखो बी इज इक्वल टू म्यू नोट कॉमन आ गया, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो म्यू नोट कॉमन आ जाएगा, एच प्लस आई ई आ गया। ठीक है, अब हमने जो रिलेशन यहाँ देखा था ना, जो आपका ये रिलेशन था आई, जो आपका आई वाला रिलेशन था आई इज इक्वल टू ये, अब ये देख लो इस पे आ जाओ,
तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। यहाँ पे आई की जगह वैल्यू पुट कर दो तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आई, एच एज इट इज रखो, प्लस आई की जगह जाई प्लस इन जाई इंटू एच भी आ जाएगा। तो बी आपका किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट एच कॉमन ले लो, ये आपका वन प्लस जाई के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसमें हम क्या लिख लेते हैं, इसको म्यू नॉट इंटू वन प्लस जाई को अलग से लिख लेते हैं इंटू एच, ये हो गया आपका बी के बराबर, ये आपका बी के बराबर आ गया। अब ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है ये मीडियम पे डिपेंड करती है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, पूरी मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू, इस पूरी को लिखेंगे म्यू। म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको म्यू लिखेंगे, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो अब इसको अगर म्यू के बराबर रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, म्यू किसकी जगह रखा हमने, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जाई की जगह रखा है, और म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू वन प्लस जाई हो गया। म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू क्या है मीडियम की परमिबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है वैक्यूम की परमिबिलिटी, इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी वन प्लस जाई के बराबर। तो ये आ गया रिलेटिव परमिबिलिटी का रिलेशन। तो देखो रिलेटिव परमिबिलिटी की अगर बात करें, ये किसके बराबर हो गया, वन प्लस जाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, और जो हमने पहले डिफाइन किया था ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है,